हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी तक हमने देख लिया था कि स्पीड टाइम वेलोसिटी के बारे में, उनसे रिलेटेड ग्राफ के बारे में देख लिया था। अब हमें नेक्स्ट देखना है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हें हम इनको ड्राइव कैसे करेंगे। तो पहली चीज कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, सिर्फ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पर ही अप्लाई होती है और उन्हीं के लिए हम इनको ड्राइव करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ v क्या होता है, v होती है फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम से एक्सेलरेशन और ऐसा हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, या कहीं कहीं पर हम इसको एज अ डिस्टेंस भी ट्रीट करते हैं। अब वो कहाँ पर होता है, कुछ सर्टेन कंडीशन रहती है जहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम इसको एज अ डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको ड्राइव करने का जो हम पहला तरीका देख रहे हैं वो है थ्रू ग्राफ, यानी हम इसको ग्राफ के थ्रू ड्राइव करने वाले हैं। तो हमारा पहले तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये मैंने ग्राफ बना दिया कि ग्राफ कैसा है, इसके पास में क्या है, जैसे ये है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, इसको हम ड्राइव करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू। वेलोसिटी और इधर आ जाएगा टाइम। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूविंग है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसके पास क्या है, स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वेलोसिटी यानी यू। तो ये हम फिक्स है कि हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। और नहीं भी लें, अगर नहीं लेते इनिशियल वेलोसिटी तो ग्राफ कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होगा। अभी ये इनिशियल वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट के पास में और ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का ग्राफ बनता है फिर हम क्या करते हैं, अब हमने पढ़ा था जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो हम यहाँ पर वही करेंगे क्या कि इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसके स्लोप के लिए मैं यहाँ कुछ भी मैंने ये लिया, पॉइंट दो पॉइंट कंसिडर किए। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ मिलाती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा टी टाइम सपोज, और इसको यहाँ मिलाती हूँ तो ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। या मैं इस पॉइंट को नीचे से कंसिडर करती हूँ, एक सेकेंड। तो ये है ये एंगल टीटा, तो इसका हमें स्लोप निकालना है। तो ये वाला जो फाइनल पॉइंट है ये तो होगा हमारा वी, क्योंकि ये है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो ये हो जाएगा इसके लिए v और ये हो जाएगा यहाँ तक के लिए u, एंड ये तो है u। और इस पार्ट की बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरा v माइनस u, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा t। क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो टाइम है वो हम t टाइम के लिए कंसिडर कर रहे हैं। स्लोप क्या होगा, टेन थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आता है बेस। परपेंडिकुलर क्या आएगा यहाँ, v माइनस u, और बेस क्या रहेगा यहाँ पर t। वी माइनस यू क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर, और टी टाइम हो गया बेस, क्योंकि ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं फिर, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इस टेन थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये टी डिवाइड में है तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a t। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये डिराइव कर लिया हमने। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें डिराइव करते, सेकंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सेम अगेन हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और सारे ग्राफ कैसे लेने हैं हमें, स्टार्टिंग में जिनके पास क्या इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम और ये वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्लोप कंसिडर करेंगे, और ये पॉइंट हो गया, ये टाइम टी जीरो, और ये है इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर, इसको पॉइंट को मैं यहाँ मिलाऊंगी, तो ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। यानी फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, जो भी एग्जाम में देंगे उसके अकॉर्डिंग, बट हम इस सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के लिए
ये तो इनिशियल वैल्यू सिटी जाएगी, ये फाइनल वैल्यू सिटी। और सपोज अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूं, मैं यहां से और यहां तक मेजर करना चाहूँ, तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा इनिशियल वैल्यू सिटी, यानी ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा वी। मतलब इस पॉइंट को जब मैं इधर मिलाऊंगी वैल्यू सिटी वाली साइड पर, तो वो बन जाएगा उसका इनिशियल वैल्यू सिटी और फाइनल वैल्यू सिटी। तो अभी जो मैंने पॉइंट कंसिडर किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये हो गया, ये पार्ट है यू और ये पार्ट हो जाएगा हमारा वी माइनस यू, और सेम नीचे वाला पार्ट रह जाएगा हमारे टी। तो ग्राफ तो क्या है हमारा सेम ही रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम हमें क्या निकालना था। अब यहाँ पर है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एस क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर कर्व होता है वो क्या शो करता है हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और स्लोप शो करता है एक्सेलरेशन को। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, इसलिए हम क्या निकालेंगे एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो एरिया अंडर कर्व के लिए हम इसको दो तरीके से इसके एरिया निकाल सकते हैं। ए, मैं इसको पॉइंट को नाम देती हूँ बी, ये इसको बी कर देते हैं, इसको बी और ये सी, ये पॉइंट और ये पॉइंट है डी। तो अब इसके अंदर दो तरीके की शेप बन रहे हैं, दो तरीके की कौन सी शेप, एक तो बन रहा है हमारा ये ट्राइंगल और एक बन रहा है हमारा ये रेक्टेंगल। जब इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। तो सिंपल, यानी एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है एबीसी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है हमारा ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और जो हमारा क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये 1/2। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं एस, तो मैंने ये लिख दिया एस। अब ट्राइंगल जो है हमारा, ट्राइंगल का ये रहा एबीसी ट्राइंगल है, ये एबीसी ट्राइंगल है। तो एबीसी ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है हमारा, ए सी, बेस है हमारा सिंपल ए सी। तो ए सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो ये टी हो गया, ए सी जो है सेम टी के इक्वल है, यानी इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ, ये ए सी और नीचे था टी, तो ये दोनों पैरेलल ही है, रेक्टेंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा टी। और हाइट जो है इसके लिए हाइट हो जाएगी वी माइनस यू, इसके लिए हाइट हो जाएगी वी माइनस यू, या फिर हम इसको हाइट को एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और प्लस अब लेंथ क्या है हमारी, लेंथ है हमारी इसके लिए, अब किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल जो है सेम रेक्टेंगल के लिए लेंथ हो जाएगी हमारी टी, और जो ब्रेथ, जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी यू। यही सेम रेक्टेंगल, ये ब्रेथ हो गई इसकी यू और जो लेंथ हो गई वो हो गई टी। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई। इसको हम ऐसे भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी और वी माइनस यू। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो इक्वेशन थी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे हम, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करी उसके थ्रू हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अगर मैं वी माइनस यू की बात करूँ तो वो हो जाएगा हमारा ए टी, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू कैन से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, इस वी माइनस यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए टी पुट कर देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। अब जो है हमारी वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड क्या है कि टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, इसको भी सेम ड्राइव करना है। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम, तो ये है इसके पास इनिशियल वेलोसिटी यू,
सेम, दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये है टाइम टी के लिए, ये जीरो, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा हमारा वी माइनस यू, और ये फाइनल वेलोसिटी है हमारी, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टी हो गया। अगर पॉइंट कंसिडर करें तो ये पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा एंगल थीटा। अब हमें क्या निकालना है, सेम इसके अंदर भी एस को हमने कंसिडर किया, इसके अंदर भी हमें एस चाहिए, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वाला ही फॉर्मूला लेना पड़ेगा। बट अब हम जो एरिया है वो दूसरे तरीके से निकालेंगे। पहले हमने निकाला जो एरिया था वो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया ऐड करके निकाला। अब यहाँ पर जो एरिया निकालने का एक तरीका और है हमारे पास, तो उस तरीके से हम अगर एरिया निकालेंगे इससे क्या मिल जाएगा हमें, ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, होना तो वही है एरिया अंडर कर्व, बट वो जो एरिया है हम किस तरीके से निकालते वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बन रहा है, जो शेप है ये क्या है, एक ट्रेपेजियम का है। ट्रेपेजियम क्या है कि जिसकी वन पैरेलल साइड होती है, तो इसमें पैरेलल साइड कौन सी जाएगी, ओडी और एसी, इसमें पैरेलल हो जाएगी ये ओडी और ये एसी, ये पैरेलल साइड हो जाएगी। तो हमें सिंपल क्या चाहिए, एरिया अंडर कर्व, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा है, ट्रेपेजियम है हमारा ए सी ओ डी। तो अब ट्रेपेजियम का एरिया होता है हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी जो उसकी हाइट है ट्रेपेजियम की, ये सिंपल इसका फॉर्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट था तो इसको हमने लिख दिया एस से, और 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन से, एक है इधर ओडी और इधर है एसी, तो ओडी प्लस एसी कर देंगे, ओडी प्लस एसी, और हाइट है इसकी, इस ट्रेपेजियम की हाइट है, यानी दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस जो है, यानी ये, या तो बीडी लिख दें या ओसी लिख दें, तो ओसी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको, ये जो टू था ये इधर आ गया 2s, ओडी, ओडी क्या है, ओडी है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया यू, और एसी, एसी सी तक ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया यू प्लस वी, और ओसी क्या है हमारे लिए, ओसी हो गया टी, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करना है, अब ये इक्वेशन बन गई हमारी वन, इक्वेशन वन। अब वही सेम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट फर्स्ट क्या थी हमारी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब यहीं से निकालेंगे टी की वैल्यू निकालेंगे, यहां से टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी माइनस यू अपॉन ए। अब इन दोनों को किस में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन को वन में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इसमें पुट करते ही तो 2s इक्वल टू यू प्लस वी हो गया, और t की जगह हमने रख दिया v माइनस यू अपॉन ए। अब ये जो a है ये डिवाइड में है, तो ये 2s से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 2s इक्वल टू, या आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यू स्क्वायर माइनस में था, दूसरी साइड गया तो ये हो गया प्लस में, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो हमने तीनों इक्वेशन है ये हमने ग्राफ के थ्रू डिराइव की है। अब इनको विदाउट ग्राफ के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इनको डिराइव कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको ड्राइव कैसे करेंगे, इसके लिए जो पहला तरीका है, मतलब क्या हमें इसमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम टेकन, यानी कितना वो उसने वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम लिया, सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी वी और इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, तो वी माइनस यू, और टाइम टेकन कितना टाइम ले रहा है, तो स्टार्टिंग में कितना टाइम ले रहा है टी, या हम t माइनस जीरो भी कर सकते हैं कि 0 सेकंड पर, यानी जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, मतलब हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, तो ये 0 पर क्या हो गई, u वेलोसिटी, और t पर उसकी होगी v वेलोसिटी, यानी सिंपल इसको लिख देंगे हम v माइनस यू अपॉन टी। तो a t इक्वल टू हो गया v माइनस यू
इट मीन्स वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी आर ड्राइव विदाउट ग्राफ. नेक्स्ट सेकेंड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो फॉर दिस वी आर टेकिंग एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट. सो एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हैं हम? फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन और टाइम. तो सिंपल टी माइनस जीरो. तो वी ए वी इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी माइनस जीरो, वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी. यानी और एक्स नॉट इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. यानी जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया अब उसकी पोजिशन थी एक्स नॉट, और जब टी टाइम पर उसकी पोजिशन हो गई एक्स. तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हमने. तो एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी माइनस टी नॉट. तो उसको सिंपल लिख देंगे एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी. अब एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल. तो अब एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ से. इसको जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डायरेक्टली हम एस लिख सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में एस चाहिए. तो उसको हम डायरेक्टली एस भी लिख सकते हैं. तो वी ए वी इक्वल टू एस अपॉन टी डायरेक्ट भी इसको हम लिख सकते हैं. तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आएगा उसके लिए पहले हमें एवरेज वेलोसिटी पता होना चाहिए. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू ए वी इक्वल टू यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू. यानी यू प्लस वी अपॉन टू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू. तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. तो इसको हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे कि वी प्लस यू अपॉन टू इज इक्वल टू एस अपॉन टी. और ये जो टू है ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा. तो यह जगह वी प्लस यू इज इक्वल टू टू एस अपॉन टी. अब ये आ चुका है हमारे पास में. अब क्या करना है? सिंपल. अब सिंपल हम इसको हमें चाहिए वी इज इक्वल एस की वैल्यू चाहिए हमें. तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी. ये आ गई हमारी इक्वेशन. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा वी टी अपॉन टू और यू टी अपॉन टू. अब जो है हमारा, अब क्योंकि हमें क्या चाहिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इसको क्या करेंगे हम चेंज करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो बी की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे? ये जो भी था यूजिंग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. जो ड्राइव कर चुके हैं उस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे. तो वी की जगह हम क्या पुट कर देंगे? सिंपल यू प्लस ए टी और ए टी था ही सही अपॉन टू और यू टी अपॉन टू. यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो जाएगी यू टी अपॉन टू और हाफ ए टी स्क्वायर. और सिंपल यू टी अपॉन टू पहले से था. यू टी अपॉन टू और यू टी अपॉन टू एड होगा ये बन जाएगा सिंपल यू टी. तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग फॉर्मूला. देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इज द वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस. सो इसको ड्राइव करने के लिए सिंपल फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर हम v माइनस यू बनाए तो v माइनस यू इक्वल टू एटी हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे. तो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? v प्लस यू अपॉन टी इक्वल टू एस और टी. तो यहाँ से आ जाएगी v अपॉन यू की v प्लस यू की वैल्यू टू एस अपॉन टी. अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. इक्वेशन वन मल्टीप्लाई इक्वेशन टू. सो वी माइनस यू और वी प्लस यू इक्वल टू टू एस अपॉन टू इंटू एस अपॉन सॉरी ए इंटू टी.
दिस इज ए इंटू टी, ए इंटू टी, सो टी से टी कट हो जाएगा हमारा, तो ये इक्वेशन बन गई इधर, ये आइडेंटिटी बन गई, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तो ये हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर लिए, ड्राइव कर लिए हैं एक दो दोनों मेथड से। पहला मेथड था हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा जो है वो है हमारा यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो अब ये क्या है कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिए, अब इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या है कि हमने बोला कि ये जो यूनिफॉर्म, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अप्लाई होती है। तो जब भी हम क्या करते हैं अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है फ्री फॉल कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल के केस में हम ए को, ए क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जहां पर भी फ्री फॉल मोशन की बात होगी वहां हम क्या करेंगे ए को जी से रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएंगी, चेंज जाएंगी, यानी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड जो है वो बनेगी हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस। ये हमने क्या कर दिया सब में यू ए को जी से रिप्लेस कर दिया। तो जहां भी फ्री फॉल की बात होगी, फ्री फॉल क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या लग रही है ग्रेविटी, वो अर्थ की तरफ आ रहा है, ये अर्थ, तो वो कहाँ आ रहा है अर्थ की तरफ आ रहा है। तो अर्थ की तरफ ही क्यों आ रहा है, जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि एप्पल का है हमेशा पेड़ से नीचे ही गिर रहा था, तो नीचे क्यों गिर रहा था, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो क्या कर रही है उसे अट्रैक्ट कर रही है। हम लोग भी हैं, हम अर्थ पर, कोई यहाँ पर है कोई यहाँ पर है, हम नीचे भी लटके हुए हैं इस तरीके से, बट हम ऐसे खड़े हुए क्यों हैं, स्टेबल खड़े हुए क्यों हैं, उल्टे होने के बाद भी स्टेबल क्यों खड़े हैं, क्योंकि अर्थ ने क्या किया हुआ है, हमें होल्ड किया हुआ है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसीलिए जब भी फ्री फॉल मोशन की बात होगी वहां पर हम क्या कर देंगे एक्सिलरेशन को ग्रेविटी से, जी से रिप्लेस कर देंगे, और जी की वैल्यू को हम क्या कंसिडर करते हैं 9.8, या फिर कहीं कहीं पर 10 भी मेंशन करते हैं। तो जहां अगर कहीं पर क्वेश्चन में मेंशन है 9.8 तब तो 9.8 लेनी है, 10 मेंशन है तो 10 लेनी है, अगर नहीं मेंशन है तो हमें जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है, अगर नहीं मेंशन है तो 9.8, अदरवाइज जो क्वेश्चन में मेंशन है वही लेनी है, 9 to 9, 9.8 तो 9.8। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ग्राफ के थ्रू किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।